ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, अगर आपने अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का श्राद्ध किया है और श्राद्ध करते समय आपको कुछ विशेष चीजें महसूस हुई हैं, आपको कुछ संकेत प्राप्त हुए हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पितृगण आपके आसपास ही कहीं हैं। श्राद्ध यदि कि पितृपक्ष में जो किया जाता है, जो माता पिता को, दादा दादी को, अपने प्रियजन को हम जो सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में यदि आप देखें तो हर एक चीज के लिए एक पर्व बनाया गया, एक उत्सव, एक फेस्टिवल बनाया गया है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत समझदार थे, वो इस बात को जानते थे कि हमें अपने काम में, अपने डेली का जो हम करते हैं उस सब में कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम कुछ चीजों को, कुछ लोगों को, कुछ रिश्तों को भूल जाएं। लेकिन उनकी याद बनाए रखने के लिए उन्होंने ये जो 15 दिन है पितृपक्ष के, ये पूरी तरह उन्हीं का एक उत्सव मनाया है, पितरों का उत्सव, जो हमें छोड़ के चले गए, जो हमारे प्रियजन थे, जिनकी हमें याद आती है लेकिन हम उनको बीच बीच में भूल भी जाते हैं। तो उनके लिए एक सुंदर सा महापर्व, एक उत्सव उन सभी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बनाया। इस वर्ष ये जो पितृपक्ष था वो 21 सितंबर से शुरू हुआ था। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने, अब तक अनेकों लोगों ने अपने माता पिता का, दादा दादी का, अपने प्रियजनों का श्राद्ध कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है या आपको मालूम नहीं था या अपने प्रियजन की मृत्यु की तिथि नहीं जानते हैं, तो आप सर्वपितृ जो अमावस्या आने वाली है 6 अक्टूबर को पड़ेगी, उस दिन आप ये कर सकते हैं, आप सभी जनों का एक साथ भी श्राद्ध डाल सकते हैं। अब श्राद्ध के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, पितृगों को लेकर के, पितृपक्ष को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत से लोग ऐसे घबराते हैं, डरते हैं कि न जाने पितृपक्ष में उनके साथ क्या हो गया, ये कोई अनिष्ट समय है, ये कोई बुरा समय है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु जी इस बात को हमेशा से ऐसे समझाते रहे हैं कि एक द्वार भगवान जी खोलते हैं ऊपर और सभी पितरों को, यानी सभी आत्माओं से कहते हैं कि आप अपने अपने घर को उन दिनों चले जाइए, उनसे मिल के आइए, उनको आशीर्वाद दे के आइए, उनसे भेंट करके आइए। अगर रामायण में इस बात को देखें, समझें, तो एक छोटा सा प्रसंग आता है। एक दिन श्री रामचंद्र जी, जब वनवास का समय था, तो श्री रामचंद्र जी अपने पिता श्री दशरथ का श्राद्ध कर रहे थे। तो तब माता सीता ने सभी श्राद्ध की जितनी भी सामग्री थी, भोजन था, सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से बनाया, परोसा, जितने भी ब्राह्मण गण आए थे उनको परोसा। लेकिन परोसने के बाद वो एकदम से भाग के अपनी कुटिया में चली गई और वहां जाके छिप गई, बहुत देर तक बाहर नहीं आई। जब सारे ब्राह्मण चले गए, तब भगवान श्री राम ने जाकर के पूछा माता सीता से कि आपकी ये जो आप एकदम से भयभीत हो गई या एकदम से आपको संकोच आ गया, ये क्यों है? तब माता सीता ने कहा कि इनमें से एक ब्राह्मण में मुझे आपके पिता श्री दशरथ जी का, अपने ससुर जी का दर्शन हुआ है। और आप ही बताइए प्रभु, जब मेरे ससुर जी ने मुझे आभूषणों में देखा, महंगे कपड़ों में, अच्छे वस्त्रों में देखा, राजपाट भोगते हुए देखा, और आज इस दिन में मैं इस एक साड़ी में, इस अवस्था में, इस गरीबी में रह रही हूँ, इस मैली कुचैली अवस्था में हूँ, तो क्या वो मुझे देख करके प्रसन्न होते? इसलिए मैं वहां से दौड़ करके लज्जा के आ गई। ऐसे ही भीष्म पितामह का भी महाभारत में प्रसंग आता है कि जब वो श्राद्ध कर रहे थे अपने पिता शांतनु का, तो तब उनको भी, वो उनके पिता जो थे, उनको साक्षात उन्होंने दर्शन दिए और उनसे भोजन ग्रहण किया। जय शनिदेव। आप सभी की समस्याओं का निवारण करने के लिए अपने 10 वर्षों की साधना, तपस्या और अनुसंधान के बाद मैं गुरु मात्मनी लाई हूँ आप सबके कष्टों को दूर करने के लिए मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट। 9 रत्नों वाले इस लॉकेट को अपने गले में धारण करने से आपको समस्त नौकरे शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। और नीचे लगी ये जो दिव्य कर्क पौड़ी है, जब ये आपके शरीर को स्पर्श करती है
तो ऋग्वेद की श्री सूक्त की जो ऋचाएं हैं और लक्ष्मी मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ये आपके जीवन की सभी धन संबंधी समस्याओं को दूर करती है, कर्जों से मुक्ति दिलाती है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आती है। बाजार में मिलने वाले अन्य रत्नों की अंगूठियां और लॉकेट किसी सिद्ध पुरुष द्वारा 3 दिन तक मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत नहीं होते हैं। इसी कारण इस कलयुग में बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिन्हें सच में रत्नों का प्रभाव महसूस होता है। हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध रत्नों से हम 133 देशों के लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल गुरु रजनीश जी, जिसपे आज 19 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर जाकर के आप ऐसे चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त किए हुए हजारों लोगों का वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध सब मनोकामना सिद्धि लॉकेट को प्राप्त करने के लिए हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली में अभी कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें। जय शांति। तो ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कोई भ्रम की बात नहीं है। बहुत से लोग केवल भ्रम मान के इसको छोड़ देते हैं कि नहीं हो सकता है हमें भ्रम हुआ हो। नहीं, इन 15 दिन में जितने भी आत्माएं हैं अपने परिजनों से मिलने जरूर आती हैं, बस आपके बुलाने की देर है और आपका कोई नुकसान करने नहीं आती है। बहुत से लोग पितरों को लेकर के घबराते हैं, डरते हैं, इन्हें बुरा मानते हैं। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए और पितृ दोष से संबंधित जहां बहुत सारे हमारे ज्ञानी भाई बहन जो है डराते हैं आप लोगों को, तो उसका तोड़ करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, जहां मैंने बताया है पितृदोष क्या होता है, कैसे उसका निवारण करें, क्या उससे कितना हमें घबराना चाहिए, कितना नहीं घबराना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ बताया है। तो इस वीडियो को देखने के पश्चात उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो पितरों से घबराने की आवश्यकता नहीं, पितर अगर आसपास भी है तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे भैया, खुद ही सोचो, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपका कोई भाई बंधु, आपके दादाजी, नानानी, जो भी आपके पितृगण थे, वो अगर आपके पास आएंगे तो क्या वो आपको अभिशाप देने आएंगे, क्या वो आपसे नाराजगी दिखाने आएंगे, क्या वो आपको किसी दोष को लगाने आएंगे? नहीं, वो सभी आपसे प्रेम करते हैं। जब चोले में थे, यानी कि शरीर में थे, तो उस समय हो सकता है उनके और आपके बीच में कुछ मनमुटाव हो, लेकिन जैसे ही उनका वो शरीर छूटा, वो मनमुटाव भी छूट गए। आत्मा तो सर्वज्ञाता होती है, वो सभी जितने भी हमारे विकार हैं उनसे मुक्त होती है। तो जब आत्मा ईश्वर के पास चली जाती है या पुनर्जन्म ले लेती है, तो कभी भी पिछली जन्म में जो भी उससे बातें, घटनाएं, जो भी हुआ है, उससे कभी भी परेशान नहीं होती है। वो आपकी सारी भावनाओं को समझती है। तो अगर आपके मन में आपके पूर्वजों के लिए श्रद्धा है, जो कि मैं जानती हूँ अवश्य ही होगी, तो जब अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा है तो वो भी आपको हमेशा आशीर्वाद ही देंगे। आप अपने माता पिता के रोज पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें, उनको याद करें, उनकी सेवा करें, तो क्या वो आपको कोई दोष कर सकते हैं? तो जैसे ही उन्होंने इस शरीर को छोड़ा, वो तब भी आपको कोई दोष नहीं लगा सकते हैं, ना ही आपका कुछ अहित कर सकते हैं। तो इस भ्रांति को अपने मन से आप निकाल दीजिए। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको माता पिता की सेवा करने का, अपने दादा दादी, नाना नानी या कोई भी प्रियजन के लिए कुछ करने का मौका नहीं मिला, अवस्था नहीं थी, समय नहीं था, उस समय दशाएं विपरीत थी, काल विपरीत था, कुछ नहीं कर पाए। हाँ, उसका मलाल अगर आपको है, उसका गिल्ट है, तो अवश्य ही ये जो आपकी पितृपक्ष आता है, हर वर्ष आता है, उसमें आप उनके नाम से कुछ ना कुछ अच्छा कर्म कर सकते हैं। अब वो तो चले गए, उनकी सेवा तो हो नहीं सकती, लेकिन उनके नाम से किसी भी बुजुर्ग को आप सहायता करेंगे, उन तक जरूर पहुंचेगा। अब मैं कुछ संकेत आपको बता रही हूँ, अगर कभी भी ऐसा कोई संकेत आपको आता है और खासकर विशेषकर ये पितृपक्ष में आता है, तो अवश्य ही इसका कोई मतलब है। मान लीजिए आपकी जो माता पिता की जो पुण्य तिथि है और उस तिथि के आसपास, यानी आपने मान लीजिए कल श्राद्ध करना है, उससे पहले आपको सपना आता है। सपने में आपके प्रियजन, जिनका भी आप श्राद्ध करने वाले हैं, वो सपने में आते हैं, आपसे कुछ मांगते हैं या आपको कुछ देते हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है कि वो अपना आशीर्वाद आपको देना चाहते हैं और आपका स्नेह, आपका प्रेम लेना चाहते हैं। ऐसे ही अगर श्राद्ध करने के बाद स्वप्न में, सपने के माध्यम से वो आपके पास आए या आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे,
तो भी ऐसे ही समझना चाहिए, आपको आशीर्वाद दे करके वो चले गए। और मान लीजिए कि आप उनको कुछ भोजन कराते हैं, बहुत से लोगों के मन को मालूम है, बहुत से लोगों को ये भी प्रश्न है, जो हम खिला रहे हैं कौओं को, गाय को, क्या सच में उन तक पहुंचता है? बिल्कुल, यकीन मानिए उन तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आपके पितृ, आपके पिताजी ही किसी कौए के रूप में आकर के उसे ग्रहण करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी ब्राह्मण के वेश में आएंगे। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी श्रद्धा पूर्वक उनको दिया है, वो जो भावनाएं आपकी हैं, वो जो तरंगे आपकी हैं, वो उन तक जरूर पहुंचेगी। कई आत्माएं ऐसी हैं जो पुनर्जन्म ले चुकी, जो अपने जीवन में कहीं किसी यात्रा में है, लेकिन आपने यहां उनके नाम से कुछ किया तो उन तक उस अनुपात में, उतने ही क्वांटिटी में कुछ ना कुछ उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको ना मिले। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने जो पूरी उनको खिलाई है वो एज इट इज उनको पहुंच जाए, ये तो संभव नहीं है। तो इस भ्रांति से बाहर निकले, लेकिन दिया हुआ जरूर ही उन तक पहुंचता है, उनके जीवन में उस समय उनको जरूर सहायता मिलती है। अगर मान लीजिए उन्होंने मनुष्य योनि में ना लेते हुए किसी और योनि में जन्म लिया है, तो भी वो उन तक जरूर पहुंचेगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, कोई मनुष्य आपका कोई परिजन था, आपके माता पिता इत्यादि, और मृत्यु पश्चात उन्होंने गाय की योनि में जन्म लिया है, तो गौ माता को यहाँ आपने अपना जो भी श्राद्ध किया, भोजन दिया, वहां कोई ना कोई गौ माता को उसी प्रकार से, उसी अनुपात में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देगा और उन तक वो पहुंचेगा, उनको तृप्ति होगी। इस प्रकार से ये पूरा संसार जो है ये कार्य करता है। और खासकर पितृ पक्ष में जो भी हम श्राद्ध करते हैं, वो हमारे प्रियजनों तक, वो जिस भी जन्म में, जिस भी योनि में है, उन तक जरूर पहुंचता है। एक संकेत मैंने कई बार देखा है, कुछ लोगों ने मुझे ये बताया है कि जब उनके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, उन्होंने श्राद्ध किया, उस समय श्राद्ध के समय एक बिल्ली आई, और बिल्ली ने आकर के, रखा तो आपने कौए के लिए था, लेकिन वो बिल्ली आई और आकर के सारा भोजन उसने खाया, और पूरे पितृ पक्ष वो वहीं बैठी रही, वहां से हिली भी नहीं। तो ये संकेत आप मान सकते हैं, हो सकता है आपका कोई प्रियजन उसी योनि में, बिल्ली की योनि में, ऐसे किसी योनि में आपसे मिलने आया हो। तो ये बिल्कुल संभव है, कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी के रूप में वो आ सकते हैं, मनुष्य के रूप में भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है मनुष्य रूप में भी आ सकते हैं, बस आपको पहचानने की देर होती है। तो खासकर जब आपको महसूस हो, क्योंकि ये चीजें महसूस करने की है, आप कह सकते हैं इसका क्या प्रमाण है, क्या इसका साइंटिफिक रीजन है। देखो, साइंस तो अपने रीजंस आज तक खुद नहीं ढूंढ पाए, खुद ही उसके रीजन बदलते रहते हैं। साइंस से पूछो सूर्य क्यों उगता है, उसके पास कोई रीजन नहीं। चांद क्यों उगता है, कोई रीजन नहीं। धरती क्यों है, कोई रीजन नहीं। मनुष्य ने क्यों जन्म लिया, कोई रीजन नहीं। तो साइंस तो अपने रीजन खोजता रहेगा और खुद ही उसको कंडेम करेगा, फिर नए रीजन खोजेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म यानी धर्म, ये महसूस करने की चीज है, ये बताने की चीज नहीं है, जताने की चीज नहीं है, दिखाने की चीज नहीं है, ये यहां महसूस होता है, आपके भीतर ही महसूस होगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो अवश्य जान लीजिए कि आपके जो पितृगण है वो कहीं ना कहीं आपके आसपास है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने श्राद्ध किया और श्राद्ध के समय पे कोई परछाई आपको दिखाई दे रही है, आपको कुछ धुंधला सा दिखाई देता है, कुछ परछाई सी दिखाई देती है, या ऐसा आभास होता है कि आसपास कोई है, तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है आपके जो परिजन जिनके लिए आपने श्राद्ध किया है, वो उन्हें अभी पुनर्जन्म नहीं हुआ है, उनको अभी शरीर दूसरा प्राप्त नहीं हुआ, ये तो आप सब जानते हैं। जो भी हिंदू धर्म को मानता है वो जानते हैं कि जैसे हम लोग वस्त्र बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्माएं भी शरीर को बदलती हैं। जैसे ही एक शरीर बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो उससे निकल करके आत्मा अपने कर्मों अनुसार दूसरी योनि में यानी दूसरे शरीर में प्रविष्ट होती है। तो हो सकता है आपका कोई प्रियजन अगर अभी उसने शरीर ग्रहण नहीं किया है तो, और वो है आसपास है या पितृपक्ष में आपसे मिलने आया है, तो ऐसे में भी आपको कोई परिछाई, कोई आभास हो सकता है। कई बार ऐसा भी आप महसूस कर सकते हैं कि आपको अचानक से शरीर में सहरन हो रही है, आपने यहाँ श्राद्ध किया, उनसे प्रार्थना की और आपके पूरे शरीर में एकदम सहरन दौड़ गई।
आपको एकदम से शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया, ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी एनर्जी ऊपर की तरफ गई हो। ऐसे में भी समझना चाहिए कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है आपके किसी अपने से हुआ है। और जिन लोगों के माता पिता हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जब तक वो जीवित हैं उनकी सेवा कर लो, उनकी सेवा उनकी इच्छा का मान कर लो। मैं ये नहीं कहती, हम सब मनुष्य हैं, हो सकता है आपके माता पिता ने भी कुछ गलतियां की हो सकता है आप भी कुछ गलतियां कर रहे हो, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, गलतियां तो हमसे होंगी ही। लेकिन फिर भी एक संतान का कर्तव्य है कि उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए अपना कर्तव्य करे, वो अपने कार्य में जुटा रहे। तो अभी सेवा कर लो माता पिता की, ताकि जब वो इस शरीर को छोड़ करके जाए आपको मन में जरा सी भी ग्लानि ना हो कि हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। इसी सुंदर संदेश के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दूसरा मेरा पितृ दोष वाला वीडियो जो मैं आपको लिंक बता रही हूँ, आगे भी आपको देने वाली हूँ, उसको जरूर देखिएगा। आपको पितृपक्ष से संबंधित, पितृदोष से संबंधित सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। आप सभी को आशीर्वाद देते हुए आज की इस वीडियो को यहाँ समाप्त कर रही हूँ। जय शनिदेव। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।